Hello everyone, my name is Dr. Shilpa Ghosh. I'm the Director of Obstetrics and Gynecology at Akash Healthcare Dwarka. आज हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में आंसर देंगे और वो क्वेश्चन थर्ड ट्राइमेस्टर में हर प्रेग्नेंट लेडी पूछती है और वो पूछती है डॉक्टर साहब मुझे हॉस्पिटल कब जाना है, व्हेन शुड आई रीच द हॉस्पिटल। तो इसका आंसर है कि ये फोर चीज़ों में से कोई भी हो तो आपने तुरंत हॉस्पिटल आना है। फर्स्ट इज लेबर पेन, सेकेंड इज पानी छूटना विच इज लीकिंग बेबी, थर्ड इज ब्लीडिंग और नंबर फोर्थ है अगर आपका बेबी कम घूमे विच इज डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। अब लेट देम सी ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। फर्स्ट इज लेबर पेन। देखिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी यूट्रस बीच बीच में टाइट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन हो कहते हैं, पर वो पेनफुल नहीं होता। टू लेबर पेन्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ये पेन बैक टू फ्रंट जाता है और ये बढ़ता है, जैसे कि पहले ये टू आवर्स में है, फिर वन आवर में, फिर हाफ एन आवर में होने लग गया, फिर 15 मिनट्स में होने लग गया। तो एक बढ़ता हुआ पेन जो इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी सब में बढ़ रहा है वो लेबर पेन है। थर्ड है कि उसमें आपको शो इज़ अ म्यूकस डिस्चार्ज, तो वाइट के अंदर रेडिश या पिंकिश दिखे तो भी आपने हॉस्पिटल आना। और फोर्थ, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो एग्जामिन करेंगे कि सर्विक्स डायलेट हो रहा है तो आपको बताएंगे ये ट्रू लेबर पेन है। जो फॉल्स लेबर पेन है वो सिर्फ आगे की तरफ रहता है, वो बढ़ता नहीं है, आप बैठेंगे चलेंगे वो ठीक हो जाता है ना, उसमें शो नहीं होगा। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो सर्विक्स देख के बताएंगे कि नहीं ये तो आपके फॉल्स लेबर पेन है। अगर पानी छूटता है तो भी आपको हॉस्पिटल आना है। पानी दो तरह से छूट सकता है, या तो सडनली बहुत सारा पानी जाएगा, गश ऑफ फ्लूइड विल कम आउट एंड यू विल सी कि सब कुछ वेट हो गया, योर मैट्रेस इज वेट, योर क्लोथ्स आर वेट, एक तरीका तो ये है। और दूसरा है कि वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकल करके इट इज़ कमिंग आउट एंड आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये यूरिन है या ये वाटर लीकेज है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कम टू द हॉस्पिटल। यूरिन आप रोक पाएंगे बट वाटर लीकेज को आप नहीं रोक पाएंगे। द थर्ड इज इफ़ यू हैव ब्लीडिंग विद और विदाउट प्लेन एनी पेन टू प्लीज़ रीच द हॉस्पिटल। फोर्थ इज इफ योर बेबी इज मूविंग लेस, तो नॉर्मली बेबी मूवमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, देखिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बाद एक एक घंटे में बेबी शुड मूव 4 times एटलीस्ट, अगर इससे कम मूवमेंट है तो आपने हॉस्पिटल आना है। इसके सिवाय अगर पेशेंट का बीपी बढ़ रहा हो, उस पेशेंट को हम कहते हैं कि अगर आपका बीपी बढ़े, हेडेक है, वॉमिटिंग है, देखने में कोई प्रॉब्लम है या एपिगैस्ट्रिक पेन है तो आप हॉस्पिटल आइए। इस सब में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्केयर्ड, यू हैव टू रीच द हॉस्पिटल। इसी दिन का तो आप इंतज़ार कर रहे थे 9 महीने और अब वो डे आ गया है, सो दैट यू कम टू द हॉस्पिटल एंड बंडल ऑफ जॉय को आप अपने घर लेके जाएं। थैंक यू।